मुंबई में शिंदे और उद्धव गुट की दशहरा रैली विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने कहा, आजाद मैदान में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री शिंदे का संबोधन सुनने के लिए लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीत शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी UBT मुंबई में अपनी अपनी दशहरा रैली आयोजित करेंगे। शिवसेना यानी UBT जहां दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करेगी, वहीं शिंदे गुट दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित दशहरा रैली में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि गुरुवार रात हुई भारी बारिश के कारण दोनों आयोजन स्थलों पर पानी भर गया है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा इससे रैली के आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने कहा, आजाद मैदान में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री शिंदे का संबोधन सुनने के लिए लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोनों पार्टियों ने जारी किया वीडियो टीजर। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए 3000 निजी बस बुक की हैं, जिनमें से लगभग 750 नासिक से आएंगी। दशहरा रैली से पहले दोनों पार्टियों ने टीजर भी जारी किए हैं। शिवसेना के टीजर में एक बाघ यानी जिस पर सेना लिखा हुआ है को रस्सी के जरिए कांग्रेस से बांध कर उसके साथ धोखा होते दिखाया गया है। टीजर में मुख्यमंत्री शिंदे अचानक सामने आते हैं और बाण से रस्सी काटकर बाघ को कांग्रेस से मुक्त कराते हैं। वहीं शिवसेना यानी UBT के टीजर में महाराष्ट्र के गौरव को बचाने और गद्दारों को दफन करने की बात कही गई है।